मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर रागिनी सिंह, यूट्यूब चैनल हिंदुज्म आर्ट एंड कल्चर में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, चित्रकूट यात्रा के भाग दो में मैं आपको यह स्थान राम भरत मिलाप पद चिन्हों का मंदिर है, जहाँ पर भगवान राम, सीता, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न के पद चिन्ह सहेज कर मंदिर के रूप में स्थापित हैं। इन चरण चिन्हों का दर्शन करते हैं हम, इन मंदिरों को प्रणाम करते हैं, पूरे परिसर को भव्यता दी गई है। छोटे आकार में मंदिर, यहाँ पर इस प्रांगण में तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरित मानस का पाठ पंडित जी कर रहे हैं। श्री गोस्वामी तुलसी दास जी के रामायण का पाठ होता हुआ भगवान श्री राम भरत की ये भव्य तस्वीर इस प्रांगण में मौजूद है। मित्रों, परिक्रमा के दौरान हमें ज्ञात हुआ कि यहाँ पर ऋषि अत्रि और सती अनसुईया ने ध्यान लगाया था, ब्रह्मा विष्णु और महेश ने चित्रकूट में ही सती अनसुईया के घर में जन्म लिया था। यहाँ प्रभु राम नित्य स्नान करते थे, उस जगह को राम घाट कहते हैं। घाट पर राम भरत मिलाप हुआ था। मित्रों, परिक्रमा मार्ग में श्री कामदनाथ जी का तृतीय मुखार बिंदु प्राचीन मंदिर के हमें दर्शन होते हैं। हमें बताया गया कि पर्वत के चारों तरफ पूरे 5 किलोमीटर की यात्रा के दौरान हमें कामदनाथ जी के 4 मुखार बिंदु, 4 द्वारों के दर्शन के मंदिर बने हुए, चारों मंदिरों के हम क्रम अनुसार दर्शन करते हुए आगे बढ़ते हैं और रास्ते में तमाम प्राचीन मंदिरों में दर्शन पूजन की व्यवस्था की गई है। स्थानीय पुजारी मंदिर पर जगह जगह पूजा कराते हुए परिक्रमा मार्ग में हमें प्राइमरी स्कूल विद्यालय के बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में हमें दिखाई देते हैं। बीच बीच में आवासीय घर बने हुए, यहाँ पर स्थानीय निवासी निवास करते हैं। यहाँ पहाड़ पर हमने देखा कि लक्ष्मी नारायण मंदिर, जगह जगह घरों में
पर्वत के किनारे छोटे बड़े मंदिरों का दर्शन करते हुए परिक्रमा मार्ग में हम आगे बढ़ते जाते हैं। बहुत ही आनंददायी ये यात्रा हमारी। स्थानीय लोग बंदरों के लिए चने जगह जगह बेचते हैं, तो रास्ते में हमने देखा कि चने सुखाए भी जा रहे हैं और तमाम छोटी बड़ी दुकानें परिक्रमा मार्ग में लोगों के जलपान का भी साधन उपलब्ध कराती हैं। जगह पर तो ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी आवासीय गांव जैसा विकसित हुआ है इस परिक्रमा मार्ग में। गांव जैसा माहौल है, तमाम दुकानें इकट्ठे, तमाम लोग, स्कूल, सरकारी प्राइमरी स्कूल। हम आगे परिक्रमा के लिए बढ़ते हुए हनुमान जी की जगह जगह छोटे छोटे मंदिरों में पूजा होती हुई हमें दिखाई देती है। हम भी दर्शन प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। परिक्रमा मार्ग में जगह जगह कंदमूल फल दिखाई दिए। ये हमें यहाँ पर लिखा दिखाई दिया कि इसे भगवान राम अपने वनवास के समय खाकर बहुत सारा समय बिताया करते थे। इनकी विशेषता बताई गई कि इसे खाने पर भूख नहीं लगती, लंबे समय हम बिना कुछ खाए पिए रह सकते हैं। आगे चोपड़ा मंदिर हमें दिखाई दिया। मार्ग में हमें जानकारी मिली कि रामघाट से 2 किलोमीटर की दूरी पर मंदाकिनी नदी के किनारे जानकी कुंड है, जहां जहां जानकी जी स्नान करती थी वहां पर
एक शिला है जिस पर सीता जी के पैरों के निशान मुद्रित हैं। इस शिला पर बैठकर राम और सीता जी चित्रकूट की सुंदरता को निहारते थे। मित्रों, श्री बनवासी राम मंदिर में भगवान का राम दरबार, जिसको प्रणाम कर हम आगे बढ़ते हैं। ये प्राचीन पीपल का वृक्ष जो काफी पुराना दिखाई देता है हमें। यात्रा मार्ग बहुत ही मनोरम है। प्राकृतिक सुंदरता अद्भुत है। ये शिलाएं भगवान राम के कण कण में व्यापित होने का आभास दिलाती हैं। प्राकृतिक सुंदरता बहुत ही अद्भुत है मित्रों। इस वन क्षेत्र में मोर पंख बिकते हुए जो भगवान श्री कृष्ण के मुकुट में सजते हैं, यहाँ के लोग छोटी छोटी दुकानें रखकर अपना जीवन यापन करते हैं। ये पर्वत माला में शिलाएं प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ा देती हैं और बंदरों के झुंड पूरे परिक्रमा मार्ग में हमें दिखाई देते हैं। इस मार्ग में लोग बकरियां जो अपने जीवन यापन दूध के लिए पालते होंगे, लोगों ने रोड पर दुकानें सजा रखी हैं। यात्रीगण सामान खरीदते हैं। ये औषधियों के तेल बिकते हुए पूरे मार्ग में हमें दुकानें सजी दिखाई देती हैं। मित्रों, पूरे यात्रा मार्ग में हमें जगह जगह हनुमान जी के छोटे 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 बड़े सभी मंदिरों में दर्शन मिले, अपनी उपस्थिति हनुमान जी जगह जगह उपस्थिति के साथ दर्शन देते हैं। हनुमान जी के बारे में कहा जाता है, जहां जहां श्री राम वहां वहां हनुमान। ये परिक्रमा मार्ग बहुत ही मन को शांति देने वाला, अब हमें कामतनाथ जी के मंदिर का चौथा द्वार, चौथा फाटक दिखाई दिया। प्रणाम कर दर्शन कर हम आगे बढ़ते हैं। पूरी परिक्रमा करने के उपरांत इस भगवान के प्रणाम करते हुए हम सभी भगवान कामतनाथ जी को प्रणाम कर यात्रा पूरी होने का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ते। अभी आगे है हम सबकी मनोकामना पूरी हो, यही आशीर्वाद और प्रणाम लेने करने के बाद हम सभी आगे बढ़ते हुए।